Hello, welcome to Legal Awareness web series. उम्र गुजर गई संविधान पढ़ाते पढ़ाते, आर्टिकल 32 पढ़ाते पढ़ाते, अभी तक मैं ये नहीं समझा था कि आर्टिकल 32 के तहत प्रधानमंत्री अगर कोई कमेटी बना दें, उस कमेटी की संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है। 84 पेज की पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है सच्चर कमेटी की संवैधानिकता और वैधता, लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज करने के लिए। सच्चर कमेटी ने क्या कहा, उसके बाद क्या उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, वो अलग प्रश्न है। पर क्या प्रधानमंत्री एक कमेटी नहीं बना सकता किसी मुद्दे पर, एक नॉन स्टेटुअरी कमेटी, एक ऐसी कमेटी जिसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग ना हो? अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री के ऑफिस की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह है। मुझे मालूम है यूपी में इलेक्शन है, सियासत गर्म हो रही है। अब ये जो पेटिशनर्स गए हैं, उनमें से जो पेटिशनर नंबर 1 है, वो एक मेडिसिन की शॉप है, 4 और पेटी बिजनेसमैन हैं। उनका कहना है कि सच्चर कमेटी के इम्प्लीमेंटेशन में और जो उसकी वजह से स्कॉलरशिप स्कीम्स दी जा रही हैं माइनॉरिटीज को, उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। एक कमेटी बनी, क्या वो कमेटी का बनना लीगल था? 22 इश्यूज रेज किए गए हैं इस पेटिशन में, 84 पेज की पेटिशन। स्टेट इज रिक्वायर्ड टू रन उर्दू मीडियम स्कूल्स, कहा जा रहा है पेटिशन में कि साहब, अरे भैया, आर्टिकल 29 में फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन का टू कंजर्व द डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ इट्स ओन। जो सच्चर कमेटी ने कहा वो तो प्रधानमंत्री जी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। तो क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी चैलेंज किया जाएगा? पेटिशन में कोट किया गया बाल पाटिल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, वो कह रहा है माइनॉरिटीज को खत्म कर दिया जाए, कोई नई माइनॉरिटी ना बने। जैन माइनॉरिटी के बारे में ये केस था, बाद में जैन्स को माइनॉरिटी मान लिया गया और जिस लॉयर ने इस पेटिशन को बनाया है वो जैन है। भारत का संविधान ये नहीं कहता कि माइनॉरिटीज को असिमिलेट कर दिया जाए, वो मेल्टिंग पॉट में यकीन नहीं रखता, वो कहता है माइनॉरिटीज का इंटीग्रेशन होगा। वो सैलेड बोल में यकीन करता है, प्लेट में गाजर भी होगी, मूली भी होगी, चुकंदर भी होगा, टमाटर भी होगा, सब एक साथ भी होंगे और सबकी अलग डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी भी प्रिजर्व और कंजर्व की जाएगी। एक बात पेटिशन में बड़ी अच्छी कही गई, पेटिशन ने H.M. सीरवाई को कोट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, और माना गया कि देश के बंटवारे के लिए गांधी जी और नेहरू और पटेल भी जिम्मेदार थे। ये वो नरेटिव है जो एक्सट्रीम राइट की नरेटिव नहीं है, उसमें सारा ब्लेम सिर्फ जिना पर है। मेन बात कही गई कि साहब, ये कमेटी का ऑर्डर राष्ट्रपति के नाम में नहीं निकला जैसा कि आर्टिकल 74 रिक्वायर करता है। बात कही गई कि क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में कमेटी क्यों बनाई गई? जवाब तो उस आर्टिकल में खुद है जो कोट किया है, आर्टिकल 15 हो या आर्टिकल 16 हो। क्या कहते हैं,
स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में जाके उसमें और एडिशनल दो ग्राउंड्स आ गई। अगर क्रूशियल वर्ड ओनली है तो इसका मतलब यह कि सिर्फ धर्म के नाम पर अगर कुछ किया जाए, जाति के नाम पर अगर कुछ किया जाए वो गलत होगा। अगर किसी कम्युनिटी की सोशल बैकवर्डनेस भी है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है और वो एक रिलीजियस कम्युनिटी है तो ये ओनली का वॉयलेशन नहीं हो रहा। सिर्फ धर्म के नाम पर अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा वो आर्टिकल 15 और 16 का वॉयलेशन होगा। मेरे हिसाब से बेहतर यही होता कि सच्चर कमेटी के बाद ये मैटर आर्टिकल 340 के तहत बैकवर्ड क्लास कमीशन को, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन को रेफर किया जाता। इंदिरा स्वानी के कई जजमेंट्स कोट किए गए पेटिशन में, पर वो उसका पैराग्राफ नहीं कोट किया गया जिसने कहा कि पूरी एक कम्युनिटी भी बैकवर्ड हो सकती। 11 पैरामीटर्स मंडल कमीशन ने ले डाउन किए हैं, अगर उन पैरामीटर्स को कोई फुलफिल करता है तो पूरी कम्युनिटी बैकवर्ड हो सकती। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने जब कहा रिजर्वेशन पे डिबेट होनी चाहिए, बीजेपी ने साथ छोड़ दिया। आरएसएस ने भी उसे डाइल्यूट कर लिया 48 घंटे में। मैंने तब भी सपोर्ट किया था मोहन भागवत जी को और कहा था वो रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं रिजर्वेशन पर डिबेट होनी चाहिए, डिबेट के मुद्दे ये हैं जिन पर डिबेट होनी चाहिए। और मैंने एक मुद्दा उसमें ये उठाया था कि क्या मंडल कमीशन के पैरामीटर्स आज रिव्यू होने चाहिए, क्या पानी आता है नहीं आता, हाई स्कूल किया है नहीं किया, ये सब पुरानी बातें हो गई। सोशल वेलफेयर की स्कीम्स की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से टैप वाटर बहुत जगह पहुंच गया, घर कच्चा है कि पक्का है ये इररेलेवेंट हो गया। क्या नारा नहीं कि सबका साथ सबका विकास हो? अगर ये नारा है तो जितने भी समाज में ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स पर स्टडी हो सकती है। कहा जा रहा है कि साहब मुसलमानों की बैकवर्डनेस की मेन वजह यह कि वो मदरसों में जाते हैं, अरे ये मिथ है, झूठ है। इस तरह के मिथ्स को समाप्त करने के लिए ये कमेटी बनी और सिर्फ यही उसका कंट्रीब्यूशन रहा। बता दिया उन्होंने कि सिर्फ 4% मुसलमान मदरसों में पढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि सच्चर कमेटी ने उस मिथ को कि मुसलमानों का अपीजमेंट हुआ है डेटा के साथ साबित कर दिया कि वो झूठ था। अगर अपीजमेंट होता तो ये हालात ना होते जो हालात हैं। इन हालात की जिम्मेदारी जाहिर है कि कम्युनिटी की भी है लेकिन सरकार की भी है। राइट टू एजुकेशन अगर फंडामेंटल राइट है 21A के तहत तो देखा जाएगा कि समाज के किस किस तबके तक वो राइट पहुंचा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर बात हो रही है तो देखा जाएगा कि समाज के किस किस तबके तक वो पहुंचे। यकीनन ये एक नॉन स्टेटुअरी कमेटी थी, यकीनन कोई बहुत इसके बेसिस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। मैं बताने वाला हूं, पोस्ट सच्चर भी इवैल्यूएशन हो चुका है,
जितने पैसे अलॉट हुए उतने पहुंचे नहीं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। 29%, 26%, 30% पहुंचे। जितनों ने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए उनके एक फ्रैक्शन को स्कॉलरशिप मिली। तरह तरह के रिजर्वेशन और आरक्षण हो चुके हैं। राजस्थान में गुज्जर्स का मूवमेंट चला, वॉयलेंस भी हुई, आगजनी भी हुई, कोशिश हुई कि उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाए, लेकिन जस्टिस जसराज चोपड़ा कमेटी ने कहा कि एसटी तो पॉसिबल नहीं, तो उन्हें के लिए एक अलग कैटेगरी बनाकर स्पेशल बैकवर्ड क्लास बना दिया गया। कैप्टन गुरविंदर सिंह के केस में 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इसे स्टक डाउन किया। जाट भी एक डोमिनेंट कम्युनिटी थी और कम्युनिटी है, उनके लिए भी यूपीए सरकार ने 2014 में, मार्च 2014 में सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी के उन्हें इंक्लूड करवाया गया, बिहार के, गुजरात के, हरियाणा के, राजस्थान के, यूपी के, एनसीटी दिल्ली के, एमपी के, हिमाचल प्रदेश के। राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2015 में इसे स्टक डाउन किया गया, क्योंकि नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिकमेंडेशन यूपीए सरकार ने इग्नोर की थी और जजमेंट था, जाहिर है, रंजन गगोई साहब का, जस्टिस रोहिंटन नारीमान भी थे साथ में। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जबान से एक जुमला निकल गया कि माइनॉरिटीज हैव फर्स्ट क्लेम ऑन पब्लिक रिसोर्सेस, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा गया। एक तूफान बदतमीजी शुरू किया गया एक टीचर के विरुद्ध, एक सिंपल लिविंग प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध पूरा सेंटेंस था, फर्स्ट क्लेम ऑन द पब्लिक रिसोर्सेज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डेमोक्रेसी, जो देश का संविधान होगा उसके अंदर ही होगा। जो कमजोर होता है उसके लिए कहा जाता है अक्सर ऐसा। मैं ये समझता हूं कि हमको ये जानने की जरूरत है कि कोई एक कमेटी देश में बैठी है, किसी एक के बारे में इस तरह की कमेटीज बनी है। सोशल जस्टिस कमेटी उत्तर प्रदेश की 2001 में, हुकुम सिंह कमेटी, कोई स्टडी इन्होंने नहीं की। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज इन नॉर्दर्न इंडिया उत्तर प्रदेश 2003 की अजीत कुमार सिंह कमेटी, छोटा सा सर्वे किया 2000 लोगों का रूरल हाउस होल्ड में 20 विलेजेस। कास्ट लैंड एंड पॉलिटिकल पावर इन यूपी, केएल शर्मा की किताब। जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन हरियाणा का 1990, जस्टिस केसी गुप्ता रिपोर्ट है हरियाणा की 2013 की। 2012 में सर्वे किया किसने, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक ने, उनके वाइस चांसलर प्रोफेसर संगवान इस कमेटी पे बार भी प्रश्न उठे कि गुप्ता साहब के अलावा जो दो मेंबर्स थे बिश्नोई और रोड़, वो उसी कम्युनिटी के थे जिसे बेनिफिट दिया जा रहा है। जस्टिस गोमन लाल लोधा कमेटी रिपोर्ट
ये एनसीटी दिल्ली की थी 1999 की, ये वही गोमनलाल लोधा हैं जो बीजेपी के कई बार एमपी रहे हैं, वाजपेयी सरकार में नेशनल कैपिटल कमीशन के चेयरमैन रहे थे और जिन्होंने कहा था गाय का गोबर कोहनूर से ज्यादा कीमती है। कई कास्ट के बारे में इन्होंने बता दिया, लेकिन यह कमीशन स्टेट ओबीसी कमीशन था। 2500 लोगों का सर्वे था हाउस होल्ड का। डॉक्टर लिपि मुखोपाध्याय रिपोर्ट दिल्ली की 2005 की स्टडी की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने 46 विलेजेस की, 5 डिस्ट्रिक्ट्स में। कई कमेटीज बैठती हैं, कुछ कमेटीज पर एक्शन होता है, कुछ पर एक्शन नहीं होता है। कमेटी बनाने पर प्रधानमंत्री की शक्तियों पर आर्टिकल 32 में कोई कहेगा मेरे फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन हो गया, ये तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। कई तरह के प्रश्न इस पेटिशन में उठाए गए, जैसे मैंने बताया 22 इश्यूज उठाए गए। इस पूरी पेटिशन में बार बार संविधान सभा में जो डिबेट हुई उसको रेस किया गया, वो डेवलपमेंट बताए गए किस तरह संविधान सभा पहले अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार दे रही थी, रिजर्वेशन भी दे रही थी, पार्टीशन हो गया, कहा गया अब जरूरत नहीं है। ईसाइयों ने कहा हमें शब्द प्रोपगेट चाहिए आर्टिकल 25 में, वो आ गया, स्पेशल ऑफिसर फॉर माइनॉरिटीज को भी कहा गया अब जरूरत नहीं। संविधान सभा की डिबेट्स का इस्तेमाल सिर्फ तब हो सकता है जब संविधान में प्रावधान ना हो या दो प्रावधान हो और उसमें आपस में टकराव हो, वरना संविधान सभा की डिबेट्स का इस्तेमाल आम तौर से नहीं हो सकता। लेकिन कानून बन गया, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट पास हो गया, उसकी संवैधानिकता को भी चुनौती दी हुई है, उसका भी जिक्र पिटीशन में है। क्या देश की सरकार को ये पता करने का भी अधिकार नहीं कि हमारे समाज का एक बड़ा ग्रुप, 14-15% लोगों के ग्रुप की क्या हालत है? बहुत से प्रश्न इस तरह के हैं नेशनल सैंपल सर्वे में कि उनसे इन सवालों के जवाब नहीं मिलते। ये बात सही है और मैं इससे एग्री करता हूं कि कोई स्पेशल प्रोग्राम अगर माइनॉरिटी के लिए बनाया जाएगा जो देश के हालात हैं और जो झूठ का बाजार गर्म है उसमें माइनॉरिटी का फायदा नहीं होगा, काउंटर मोबिलाइजेशन होगा, इक्वालिटी का गोल अचीव नहीं होगा, इंक्लूजन की बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। लोगों को बता दिया गया कि मुस्लिम्स का अपीजमेंट हो रहा है 70 साल से, तो आप जस्टिस कर दीजिए। आपका नारा ये है अपीजमेंट ऑफ नन जस्टिस फॉर ऑल, तो जस्टिस कर दीजिए, मैं इस नारे के साथ। चीजों को समझिए। प्रधानमंत्री ने एक कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट 17 नवंबर 2006 को आ गई, 18 नवंबर 2006 को संसद के पटल पर रख दी गई,
बहस नहीं हुई। क्यों बहस नहीं कराई सरकार ने? क्यों संसद का उस पर कोई रेजोल्यूशन नहीं आ पाया? क्योंकि सरकारें सिंसियर नहीं हैं। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से चीजें हुई हैं उसमें सच्चर कमेटी का मेजर कंट्रीब्यूशन यह है कि उसने आईना दिखा दिया कि आप कहते थे ये पैम्पर्ड हैं, ये अपीजमेंट के बेनिफिशियरी हैं, ये है इनकी हालत। और आज उनमें से कुछ पढ़कर यूपीएससी क्वालिफाई कर लें तो उसको यूपीएससी जिहाद कह दिया जाता है। आइए आंकड़ों पर, फैक्ट्स पर आइए। अगर हिंदूज की पॉपुलेशन लेंगे तो उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिलाकर 31.3% बन जाते हैं। ओबीसीज अगर लेंगे तो 42.8% बन जाते हैं। 31.3 और 42.8 जोड़ लीजिए इसको, तकरीबन 74% लोग बन गए जिनके लिए आरक्षण और रिजर्वेशन का प्रावधान हो गया, आइदर एज एससी और एसटी और ओबीसी। जो हायर कास्ट हिंदूज हैं जिनके लिए रिजर्वेशन नहीं हो पा रहा वो 26%। मुसलमानों में आइए, एससी और एसटी सिर्फ 1.3% है, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने बनाया उसमें हमने कह दिया कि सिर्फ हिंदू ही शेड्यूल्ड कास्ट हो सकता, बाद में सिखों को भी ऐड किया, बुद्धिस्ट को भी ऐड किया। क्रिश्चियन दलित इसमें क्यों नहीं आने चाहिए? क्या यह धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? आर्टिकल 15 का वॉयलेशन नहीं है? यह मुद्दा भी इस पिटीशन में उठाया जाना चाहिए। एससी एसटी मुसलमानों में 1.3%, ओबीसी 39.2% और जो अदर कास्ट सो कॉल्ड हायर कास्ट जिन्हें अशराफ कह लें वो 59.5%। उधर 26% थे, यहां 59.5%। ये रियलिटी है, नंबर गेम की ये रियलिटी है। बहुत से रिसर्चेस हैं, बहुत से सर्वेस होते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे है, 61st राउंड हो चुका 2004-05 में, उसके बाद कई राउंड हुए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस हैं HDI, क्या बता रही हैं ये HDI? छोड़िए सच्चर कमेटी, बता रही हैं जो 7 states हैं जहां लार्ज पॉपुलेशन है वहां मुसलमानों का HDI लेवल बहुत नीचे है, सिवाय केरला के, महाराष्ट्र के और कर्नाटका का, जहां ये हायर है स्टेट एवरेज। वेस्ट बंगाल में जहां सेकुलर सरकारें रहीं, कम्युनिस्ट सरकारें नहीं, अब ममता जी की सरकार है, बहुत नीचे है। आसाम में बहुत नीचे। माइनॉरिटीज के लिए 15-point प्रोग्राम बड़ी पुरानी चीज हो गई, फिर वो रिवाइज हुआ 2012 में। माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए स्कीम आ गई, पहले 90 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब 120 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, लेकिन कई जगह ऑपरेट नहीं हो रहा। वेस्ट बंगाल में, आसाम में,
बिहार में, झारखंड में, गुजरात में। स्कॉलरशिप के बारे में मैंने बता दिया कि जितने लोग अप्लाई करते हैं और जितनों को मिलता है वो सिर्फ फ्रैक्शन है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनी लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही बन गई। अगर ये पेटिशन और इसमें रेज इश्यूज को माना जाए फिर तो एमएमए नहीं हो सकती। फंड यूटिलाइजेशन देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का तो 2012 में अभी यूपीए सरकार है less than 20%। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने आरबीआई की बात नहीं मानी और प्रायोरिटी सेक्टर में लोन्स नहीं दिए माइनॉरिटीज को। जितना पैसा दिया जा रहा है, जितना खर्च हो रहा है वो 29% था 2011 में, 2012 में थोड़ा बढ़ के 36% हो गए। अगर माइनॉरिटीज देश के सिटीजन हैं तो समझिए राइट टू इक्वालिटी में अक्सर इक्वालिटी करने से प्रॉब्लम हल नहीं होती। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। एक फॉर्मल इक्वालिटी है, एक सब्सटेंटिव इक्वालिटी है। सब्सटेंटिव इक्वालिटी के लिए क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। ऑफ कोर्स क्लासिफिकेशन सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसमें सोशल और इकोनॉमिक रीजंस मिल जाएं तो इंदिरा स्वानी के हिसाब से हो सकता है। मैं रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, वो किसी और दिन मुद्दे पे बात होगी। यहां सिर्फ इतनी सी बात है कि क्या सरकार को अधिकार है और प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो कुछ समझना चाहते हैं किसी मुद्दे पर। लोग कह रहे हैं माइनॉरिटीज का अपीजमेंट हुआ, माइनॉरिटीज कह रही हैं कि हमारे साथ अपीजमेंट नहीं हुआ। एक कमेटी बैठा दी, उसकी रिपोर्ट आ गई और सबसे बड़ी रिकमेंडेशन जो सच्चर कमेटी की थी वो तो थी इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने का प्रपोजल। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन सिर्फ मुसलमानों और माइनॉरिटीज के लिए नहीं होगा बल्कि सबके लिए होगा। प्रोफेसर माधव मेनन की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट आ गई, उन्होंने रिकमेंड कर दिया, कई देशों से कंपेयर करके बता दिया कि विदेशों में इस तरह का प्रावधान है, लेकिन यूपीए सरकार ने तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और एनडीए से तो वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं। देश को अगर आगे बढ़ना है तो ये नामुमकिन है कि एक इतना बड़ा सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन पीछे रह जाए। अगर मदरसा एजुकेशन नहीं चाहिए और मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाना है और एजुकेशन में लाना है वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन में, तो फिर उनके एरियाज में तो सरकार को स्कूल खोलने पड़े। मैं समझता हूं कि ये पेटिशन न सिर्फ संविधान की स्कीम के विरुद्ध है बल्कि प्रधानमंत्री की पावर्स को क्वेश्चन कर रही है। ये सच्चर कमेटी के बारे में प्रश्न नहीं है बल्कि प्रधानमंत्री की पावर्स के बारे में प्रश्न। सच्चर कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दी कि देखा जाए यूनिवर्सिटीज में और जगह डाइवर्सिटी इंडेक्स कैसी है, क्या समाज की विभिन्नताएं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिफ्लेक्ट होती हैं। ये तो बात बार बार कही गई है कि जुडिशरी में दलितों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। हम तो एक सेक्सुअल माइनॉरिटी के आदमी का एलिवेशन होने को भी रोके हुए हैं। भारत की संस्कृति यह है कि अच्छी बात जहां से आए ले लेनी चाहिए। सच्चर कमेटी की कम से कम दो रिकमेंडेशंस ऐसी हैं जो माइनॉरिटीज के बारे में नहीं है, जनरल है। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन और डाइवर्सिटी इंडेक्स की इंपॉर्टेंस, इनको ही अपना ले। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।